हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड विल बी मोस्ट पोलर एंड द ऑप्शंस आर ए NCl, बी OF, सी NF एंड डी N2। तो हमें बताना है इन बॉन्ड्स में से सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड कौन सा होगा। तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट देख लेते हैं। की कंसेप्ट क्या होगा? मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स उतनी ही ज्यादा बॉन्ड क्या होगा? पोलर। मोर पोलर विल बी द बॉन्ड। ओके, तो हमें यहाँ पे चार एलिमेंट्स गिवन है जो कि है फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो अगर हम इनको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे अरेंज करें तो जो फ्लोरीन है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन एंड देन क्लोरीन। नाइट्रोजन एंड क्लोरीन की सिमिलर सी इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, बट फिर भी नाइट्रोजन की थोड़ी सी ज्यादा होती है क्लोरीन से। ओके, तो अगर हम देखें तो ऑप्शन डी में देखें तो यहाँ पे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन है, दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना हो जाएगा? जीरो। सो ये क्या हो जाएगा? नॉन पोलर, यह सबसे कम पोलर हो जाएगा ये। ओके, तो ये तो आ जाएगा सबसे लास्ट में। ओके, सो नेक्स्ट हमारा अगर हम देखें नाइट्रोजन और फ्लोरीन, एक हमारे पास है नाइट्रोजन और फ्लोरीन और एक हमारे पास है फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। ओके, तो अगर हम यहाँ से देखें, एक तो फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और एक फ्लोरीन और नाइट्रोजन के बीच में, तो फ्लोरीन और नाइट्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मोर, क्योंकि यहाँ पे एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, कंपेयर करें तो नाइट्रोजन की कम होती है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इसके कारण अगर हम कंपाउंड नंबर सी और डी बी को कंपेयर करें तो ज्यादा पोलर कौन होगा? सी वाला। ओके, सी और बी में से सी वाला पोलर होगा। और अगर हम ए को कंपेयर करें नाइट्रोजन और क्लोरीन, तो नाइट्रोजन और क्लोरीन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो इनकी लगभग सिमिलर सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, बट थोड़ा डिफरेंस तो होता है, तो थोड़ी सी पोलैरिटी तो इस बॉन्ड में भी होगी। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा अगर हम अरेंज करें? सबसे पहले आ जाएगा डी, दैट इज नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड, वो सबसे कम पोलर होगा। इसके बाद आ जाएगा नाइट्रोजन और क्लोरीन का बॉन्ड, क्योंकि थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा यहाँ पर। सो हम क्या लिखेंगे? नेक्स्ट इज नाइट्रोजन क्लोरीन, नाइट्रोजन क्लोरीन वाला ऑप्शन है ए। इसके बाद किसकी पोलैरिटी होगी? अगर हम बी और सी में से देखें तो यहाँ पे आ जाएगा बी, दैट इज ऑक्सीजन फ्लोरीन, और सबसे ज्यादा पोलर कौन होगा? तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पोलर कौन होगा? सी, दैट इज नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन बॉन्ड। ओके, सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। होप यू फाइंड योर आंसर एंड अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।